वाल्मीकि जाति की बेटी को इंसाफ देने की बजाय सबूतों को मिटाने का काम पुलिस कर रही है। अभी ये डेड बॉडी रात को वहां पर लेकर गए हैं हाथरस में। और साथियों, वहां पर परंपरा है, जो लड़की शादीशुदा नहीं होती उसको दफनाया जाता है वहां पर उनके गांव में, और इस बेटी का जबरदस्ती अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप ये सोचो कि ये क्या घटना और क्या इसके पीछे राज है। आज पुलिस उस बेटी का संस्कार करने पे उतारू है, कर रही हो सकता है कर भी दिया गया हो, ताकि सबूत खत्म किए जा सके और ठाकुर जाति के इन मनुवादियों को, इन लोगों को उस कटघरे से बाहर निकाला जा सके जिसमें इनको सजा होनी थी। साथ ही अगर अभी भी हम लोग एक ना हुए, वाल्मीकि और चमार मिलकर के 2 अप्रैल का बात बंद किया था आप लोगों ने, हम लोगों ने कॉल किया है 1 अक्टूबर को बात का तक्का जाम करेंगे, बात को बंद करेंगे, सफाई व्यवस्था ठप करेंगे। ये सब कुछ हम सो रहे हैं इसलिए हो रहा है, जिस दिन हम लोग अपने समाज की बहन बेटियों के लिए जागने लग गए और सड़क पे संघर्ष करने लगे, किसी की औकात नहीं है इस साले की जो हमारी बहन बेटियों की तरफ नजर उठा करके देख ले। जबरदस्ती उसका संस्कार किया जा रहा है ताकि सबूतों को खत्म किया जा सके। इतनी क्या जल्दी है पुलिस को कि रात को संस्कार करने पे उतारू है उस। जय भीम साथियों, आज पूरे देश में, समाज में, हर जाति हर वर्ग में एक रोष है। अभी जो मैं बात आप लोगों से करने के लिए आपसे रूबरू हुआ हूं वो बहुत ही विशेष जानकारी है, और ये जो जानकारी है जो हमारी बहन मनीषा हाथरस से, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ था, उसके गांव से सीधी जानकारी हमें मिली है खुफिया सूत्रों से, तो जो आपसे हम लोग साझा कर रहे हैं साथियों, आज पूरा दिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया सफदरजंग हॉस्पिटल में। पूरे देश में ये बात जन जन तक पहुंची। इससे पहले हम बहन मनीषा के हाथरस में कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव करने के लिए यहां से कुछ साथी गए थे, वहां के कुछ साथी इकट्ठा हुए थे, तब जाकर के FIR हुई थी साथियों 7 दिन के बाद, और कोई भी ट्रीटमेंट उस बिटिया को वहां पर सही से नहीं दिया गया। वहां पर वेंटिलेटर पे थी वो, फिर दिल्ली लाया गया। मुझे तो ये लगता है कि दिल्ली में उसको जब लाया गया उसकी मौत अलीगढ़ में ही हो चुकी थी। यहां तो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने का काम सरकार कर रही थी ताकि कल को इनके ऊपर बुराई ना आए कि इसको अच्छा इलाज नहीं मिला, ये वहां पर नहीं लेके गई। साथियों, जो मैं सूचना आपसे साझा करना चाह रहा हूं अभी रात को, बराबर हम लोगों की नजर बनी हुई है, हम लोगों को वहां पर हॉस्पिटल में बिल्कुल बहुत ज्यादा फोर्स के माध्यम से वहां पर बैन कर दिया एंटर होने से। और साथियों, उस लड़की के बाप को और भाई को पता नहीं पुलिस कहां पर लेके गई है, और उसकी जो बॉडी है मनीषा की, हमारी बहन की, वो सफदरजंग हॉस्पिटल से हाथरस पहुंच चुकी उसके गांव में। लेकिन विडंबना देखिए, पहले 21 तारीख को डॉक्टर ने पुष्टि की थी कि इसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, रेप की घटना हुई है, बलात्कार हुआ है, और अभी कुछ घंटों पहले एक रूमर आया या खबर आई, जो भी हम कह सकते हैं, अभी पुष्टि नहीं हुई है, उसमें कहा गया कि रेप हुआ ही नहीं है। और आज तक मैं चैनल देख रहा था, उसमें आज तक का संवाददाता कहता है कि जो लड़के साथ बलात्कार हुआ है वो उसी लड़की के जाति के लोग थे, वाल्मीकि जाति के लड़के थे जिन्होंने बलात्कार किया, जबकि ये सरासर झूठ है। वो लड़के ठाकुर जाति से थे, ठाकुर समाज के वो लड़के थे जिन्होंने हमारी बहन के साथ ये गंदा हरकत, ये दुर्घटना की है। साथियों, पुलिस अब क्या कर रही है, पुलिस की आप देखिए, मतलब किस तरह से इस दलित को, गरीब को, वाल्मीकि जाति की बेटी को इंसाफ देने की बजाय सबूतों को मिटाने का काम पुलिस कर रही है। अभी ये डेड बॉडी रात को वहां पर लेकर गए हैं हाथरस में, और वहां पर ना तो उसके पिताजी को लेकर जाया गया,
ना उसकी मां को लेके जाया गया, ना उसके भाई को लेके गया है कोई भी पुलिस वाला। उस बेटी के घर को सील कर दिया गया है, गांव के चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेज बिठा दी गई हैं और पुलिस जबरदस्ती रात को उस बेटी का संस्कार कर रही है अपने आप। परिवार की कोई रजामंदी नहीं है। ये वाल्मीकि जाति के लोग देख ले आज हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। और साथियों, वहां पर परंपरा है जो लड़की शादीशुदा नहीं होती उसको दफनाया जाता है वहां पर उनके गांव में, और इस बेटी का जबरदस्ती अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप ये सोचो कि ये क्या घटना और क्या इसके पीछे राज है। हमारी डिमांड थी हॉस्पिटल में भी कि ये जो पोस्टमार्टम है इस बिटिया का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए और इसकी जांच जो इसके साथ घटना हुई है उसकी जांच एक उच्च स्तरीय डॉक्टरों की मीटिंग के द्वारा की जाए ताकि वो सच्चाई देश के लोगों के सामने, समाज के लोगों के सामने आ सके। आज पुलिस उस बेटी का संस्कार करने पे उतारू हर कर रही हो सकता कर भी दिया गया हो ताकि सबूत खत्म किए जा सके और ठाकुर जाति के इन मनुवादियों को, इन लोगों को उस कटघरे से बाहर निकाला जा सके जिसमें इनको सजा होनी थी। साथियों, आज पूरा देश जाग रहा है, हम लोग नींद नहीं आ रही, हमारी रूह कांप रही है। आज उस बेटी के लिए दर्द है पूरे मन में, आज पूरे देश में रोष है, हर जगह हर वाल्मीकि जाति के व्यक्ति में, हर चमार जाति के व्यक्ति में, हर बहुजन समाज के व्यक्ति में और जो मानवता में भरोसा रखते हैं हर व्यक्ति के अंदर एक रोष है कि ये क्या हो रहा है इस देश में। मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के साथ गलत होता है, अच्छे दिन आएंगे। क्या ये अच्छे दिन है? पुलिस मिल करके हमारे लोगों के साथ बर्बरता कर रही है। आज वाल्मीकि जाति के लोगों का खून आज भी नहीं खोला तो फिर कब खोलेगा? और मैं तो एक बात और कहता हूं आज वाल्मीकि समाज के लोगों को, अब की बार हमें वाल्मीकि जयंती नहीं मनानी चाहिए पूरे देश में। अब की बार वाल्मीकि जाति के दिन, जयंती के दिन पूरे वाल्मीकि समाज को रोष मार्च करना चाहिए पूरे देश में और मनीषा के हत्यारों को फांसी की सजा के लिए संघर्ष करना चाहिए। आज मुझे बड़ा शर्म आती है कहते हुए, दिल्ली में इतने सारे वाल्मीकि हैं लेकिन वहां पर सफदरजंग हॉस्पिटल में चंद लोग ही वाल्मीकि समाज के पहुंचे हुए थे, मुझे शर्म आती है। और वहां पर राजनीतिक दलाल, कांग्रेस और भाजपा में जो वाल्मीकि लोग राजनीति करते हैं वो हरामखोर वहां पर दलाली कर रहे थे, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, उनके नारे लगा रहे थे वो हरामखोर। तो आज समझने की जरूरत है इस समाज को कि आज हो क्या रहा है। अगर अभी भी हम लोग एक ना हुए, वाल्मीकि और चमार मिलकर के 2 अप्रैल का भारत बंद किया था आप लोगों ने, हम लोगों ने कॉल किया है 1 अक्टूबर को भारत का चक्का जाम करेंगे, भारत को बंद करेंगे, सफाई व्यवस्था ठप करेंगे 1 तारीख से 8 तारीख तक पूरे देश की, और शाम को कैंडल मार्च करेंगे। अगर थोड़ी शर्म बाकी हो वाल्मीकि समाज के ठेकेदारों तो इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे उतरो। अब छोड़ दो ये चीजें, अब ये जो समाज का शोषण हो रहा है ये सब कुछ हम सो रहे हैं इसलिए हो रहा है, जिस दिन हम लोग अपने समाज की बहन बेटियों के लिए जागने लग गए और सड़क पर संघर्ष करने लगे, किसी की औकात नहीं है इस साले की जो हमारी बहन बेटियों की तरफ नजर उठा करके देख ले। तो आज समाज को सोचना पड़ेगा, आज ये जो हमारी बहन मनीषा है इसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, इसके परिवार के साथ अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती उसका संस्कार किया जा रहा है ताकि सबूतों को खत्म किया जा सके। इतनी क्या जल्दी है पुलिस को कि रात को संस्कार करने पे उतारू है, उसके परिवार के लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा। हम लोग जब गांव में एंटर कर रहे थे तो हमें गांव से पहले ही रोक लिया गया, गांव में घुसने नहीं दिया गया, किसी भी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दे रहे लोग। क्या मतलब क्या मजबूरी है पुलिस की? क्या इनके ऊपर ठाकुर समाज का दबाव है? क्या इनके ऊपर योगी आदित्यनाथ का प्रेशर है? क्या इनके हुक्मरानों से, नागपुर से आरएसएस का आदेश हुआ है कि नहीं ठाकुरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना? तो मेरे समाज के भोले भाले लोगों, आप लोगों से अपील करता हूं कि 1 अक्टूबर को सारा वाल्मीकि चमार बहुजन समाज सड़कों पे आओ, दिखाओ अपनी ताकत इन चोरों को कि हम लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। आज मनीषा तुम्हें पुकार रही है, ललकार रही है तुम्हारी गैरत को, तुम्हारे जमीर को ललकार रही है। उस लड़की ने अपनी शहादत दे करके आप लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रही है वाल्मीकि और चमार जाति के लोग। आज आप अगर इकट्ठा ना हुए तो आप लोगों को घर में घुस घुस के
आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चक्का जाम कर दो देश को, दिखा दो इन लोगों को कि हम बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, हम इनकी औलाद हैं। हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर भी अपने हकों और अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन आज संविधान तार तार किया जा रहा है, आज मानवता शर्मसार की जा रही है, तो आप लोग कैसे लोग हो? आज अपनी बेटियों को सिखाओ और बताओ उनको फुलन देवी की कहानी। आज अपनी बेटियों को फुलन देवी बनाने का समय आ गया है। आज समाज को हाथ पे, अरे मरना तो वैसे भी है, एक दिन 100 साल के मरो, ओके मरोगे, बीमारी से मरोगे, बीमार कहलाओगे। अगर समाज के लिए शहीद हो गए, समाज के लिए एकजुट होकर के, चाहे हमारी जान भी चली जाए, समाज आपको सदियों तक याद रखेगा। तो मैं आपसे फिर अपील करना चाहता हूं कि हमारी बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आप लोग सारे लोग एकत्रित हो जाओ। हम लोग दिल्ली में पहुंच करके अब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में समाज को तैयार करेंगे और हम दिखाएंगे कि हमारे समाज की ताकत क्या है। हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे वाल्मीकि समाज के योद्धाओं, मेरे वाल्मीकि समाज के हुक्मरानों, मेरे वाल्मीकि समाज के सेवकों, और मैं दलालों को भी कहना चाहता हूं, इस मामले में दलाली मत करो, आप लोग इकट्ठे हो जाओ, इस बिटिया को न्याय दिलाना है। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।